अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिजन ऑनलाइन। दोस्तों माशाल्लाह तीन चार दिनों से काफ़ी प्यारी धूप निकली है और आज सुबह सुबह ही आ गए, 9 बजे का टाइम है, ऊपर आया। मैंने कहा चलो आज से अपने कबूतर कुछ बाहर निकालते हैं, बाकी जोड़ों जोड़ों का सिलसिला जारी है सारी है और जोड़े छोड़े आपके सामने लगाए हुए हैं, जो भी लगाए हुए हैं, बाकी कुछ ला रहे हैं कुछ दे रहे हैं। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, तो हर बंदे की अपनी राय है, दे सकता है ठीक है ना। कुछ लोगों की आदत होती है उसका, एक हमारा इधर ना बड़ा डायलॉग मशहूर है, ना खेडांगे ना खिडावांगे बिच पसोड़ी पावांगे। खैर हमें का लेना था ना, आज आपको शौक करवाते हैं जी, जो कबूतर उड़ाने लगे हैं। अभी इंशाल्लाह बच्चे ला के छोड़ूंगा, सिर्फ 2-4 दिन दे दें, एक बंदे को कहा हुआ है, बहुत जल्द इंशाल्लाह बच्चे आएंगे, फिर अपना शौक भी पाल करेंगे। बड़ा तसल्ली से मोहब्बत से प्यार से शौक करना, जल्दबाजी नहीं करनी। ये चपड़ा कप्तान वाला और ये फुलसिरा कबूतर, याद है हमने पानी पर पकड़ा था, ये वो कबूतर है जी। कल एक बच्चा पकड़ा है उसका आपको शौक करवाता हूँ, अगर किसी का हो। मेरा ख्याल है इधर की, ये किधर गया बच्चा, हमने कल एक पकड़ा था बेबी पिजन, ये बैठा हुआ जी, ये कल बच्चा पकड़ा था किसी का हमने, लाल रंग का बच्चा है, बहुत अच्छा है जी, ज़बरदस्त चीज़ है ये देखिए, माशाल्लाह जी, इसको छोड़ेंगे खुद ही, ये देखिए लाल रखा बच्चा है। बाकी आज अपने कबूतर निकालते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको शौक भी कराऊँगा। कबूतर दोस्तों गिनती के रह गए हैं, लेकिन यह है कि अब मज़ीद तैयारी करनी है, अभी हम जीरो पर खड़े हैं। ये कबूतर यार हमारा बड़ा अच्छा टैडी उड़ा है, यानी कि ये घिज गया कबूतर, ये देखें ये गया, इसके साथ लगी हुई है ये फीमेल जी, मिल ये फीमेल गई, ये देख ये दोनों का पेयर लगा हुआ है, इसको ऐसे ये कबूतर घिज गया, जो कि आज निकालने लगे हम और अपना जो है ना आपको शो भी कराएंगे, आज उड़ाते हैं माशाल्लाह, पल्ला मारूंगा। ये देखिए ये सारा ही नया माल है दोस्तों, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बंदा कहे पुरानी है, सारे के सारे नए कबूतर हैं। उन्हें ये सरेटा पकड़ा था किसी का, ये भी बड़ा अच्छा कबूतर है, और जो है ना अभी 4-5 टप्पे और निकाल दें, चलो सिल पछोरी होती रहेगी, ये अभी किस काम के कबूतर नहीं है मेरे, तो ऊपर नीचे करने के लिए रखे हुए हैं, अभी मज़ीद तैयारी करेंगे। आपको पता है कबूतर बाजी यार बहुत 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 मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, लाइट देखने में लगता आसान है लेकिन ये है बहुत मुश्किल, ये रास्ते ना बड़े औखे हैं। बंदा कहता है यार चलो मैं जा लूँगा मैं उड़ा लूँगा, ना 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 ना, ना कोई चक्कर नहीं है। कल एक निकाला था, एक मेरा ख्याल है फिर पत्नी हमारी नहीं आई, खैर जो चला गया उसका गम नहीं, जो लग गया वो किसी से काम नहीं। ये जो है ना अपने अंडरग्राउंड, ओहो ये चपड़ा मैंने पहले एक दोस्त को देना चाहा, लेकिन वो जो है ना नहीं ज़्यादा बात बनी। बाकी दोस्तों ये हमारे वो कबूतर हैं जिनके कुछों के पार आ रहे हैं, या कुछ जो है ना वो अभी कच्चे पक्के हैं, इस वजह से इनको नहीं निकालेंगे। बाकी ये कबूतर हैं जिनकी शौक करवाता हूँ, सारा नया माल है, ये आप देख सकते हैं, ये अभी इनको इतनी डंडा परेड नहीं हुई, इतनी इनको डंडा परेड होनी चाहिए, ये देखें, ये देखें जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पीस हैं जी, ये आपके सामने ही है जो भी है ठीक है। तो अभी पट्ठे पट्ठे साफ हुए हैं, ये उड़ाते हैं इनको और अपना शो करते हैं, इंशाल्लाह करेंगे। इनमें से कोई 2-4 भी बन गए ना हमारे सीजन तक तो बहुत है, मैं कहता हूँ इनफ है ठीक है। बाकी ये भी कुछ बैठे हुए हैं, इनमें से जो है ना ये देखें जी, ये जी सबसे पहले फुलसिरा गया निकल के, ये आजकल मौसम ठंडा है और मौसम ज़बरदस्त है, तो क्यों ना इसी बहाने जो है ना इनको गेड़ गुड़ लिया जाए। ये है ठप्पे ठुप्पे ही, इनमें से शायद कोई एक आधा निकले काम का, क्योंकि गेम वाले कबूतर सारे नहीं होते, या तो हो सकता है सफाई हो के, यानी कि इनकी परपटाई हो के ये फिर नए तरीके से लैस हों, तो फिर हो सकता है मज़ीद अच्छे उड़ जाए। अभी तो फिलहाल या तो मैंने इनको उड़ाया भी नहीं है, सही बताऊँ तो सही मानो में मैंने इनको डंडा परेड भी नहीं किया, अभी दो आज दूसरा दिन है इनको निकाल दिया, इनको रोज़ डंडे डंडे पड़ेंगे ना फिर कबूतर सामने आ जाते हैं, ये देखें कोई 10-15 निकाल के उड़ाए हैं, तो इंशाल्लाह तैयारी शहरी के लिए छाता मारी ज़बरदस्त है, मैं भी लोगों के पास धक्के धुक्के खा रहे हैं। अभी जो कबूतर हमारे घिजे हुए हैं वो हम नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं उनको उड़ाने का, वो सिर्फ नुकसान के बाइस ही बनता है हमारा, और किसी चीज़ का बाइस नहीं बनता। अभी ये डबल ही मादी है हमारी, इसको हम जाल पे छोड़ देंगे ठीक है, क्योंकि ये अच्छी उड़ती है, फ़ायदा कोई नहीं है, चलो गिजी गिजाई कबूतरिया। बाकी दोस्तों इनमें से ये एक पट्ठा छोड़ दें, मतलब मेरा बड़ा नया पट्ठा जी, बाकी ये निकालते हैं, ये टैडी मादी इसकी बहन जोड़े डाल दिया मैंने, ये इंशाल्लाह गोली की तरह समान जाएगी। बाकी ये कुछ पीस हैं, ये देखें यही बची हैं अपने पास, बाकी खुडे खाली हो गए यकीन माने। अब इनको भी निकालते हैं, इनको भी जो है ना वो ऊपर की सैर करवाते हैं, बाकी कुछ अंदर हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग देखी जाएगा, करेंगे तैयारी इस दवा इंशाल्लाह, वादा रात दोस्तों के साथ इस दवा ज़रा हटके कबूतरबाजी करेंगे, अब जल्दबाजी नहीं करनी, कबूतर भी ला के छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये पट्ठा हमारा बड़ा अच्छा उड़ रहा है,
ये इंशाल्लाह इनको मैं तरीके से गेड़ गुड़ के ना संभाली जा रहा हूँ ये दे। चलो चलो चलो, कबूतर बड़े अपने पास, कबूतरों की टेंशन नहीं है ना। ये भी चीना बचा, चल बचे। ये जो है ना, हमने इसको इधर ही आने दिया, उसकी वजह यह है कि ये कटा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं होती हमें। बाकी जो ऊपर है वो ऊपर चढ़ा देंगे। ये देखें, ये फिर रहे हैं जी, काफ़ी कबूतर हैं जी। इनमें से कोई पांच भी निकल है ना काम के, पांच भी निकल है तो मैं समझता हूँ कि आफरीन है मेरे, मेरी बड़ी गुड लक होगी इनमें से अगर पांच पीस भी अच्छे निकल है। अब इनमें से एक चपड़ा कबूतर अच्छा उड़ा है, उसके बाद दो पट्टियाँ अच्छी उड़ी है, एक पट्टा अच्छा उड़ा है, लेकिन यह है कि यार गेम बड़ी मुश्किल से होती है दोस्तों। यही कबूतर बचे हैं हमारे पास गिनती के, बाकी वो जोंसरा मोंसरा पुराने कबूतर हैं। पी लखी है, सलारी है, सलारी ने तो अंडा दे दिया, वो अंदर वो देखें अंडे पे बैठी हुई है। उसको एक इसके अब बच्चे पलवा कर ना इसको आगे निकालेंगे, वसाग में भी टाइम है, एक आधी से बच्चे ले लें अभी से। मैं कह रहा हूँ अंडा इसने दे दिया, इसके साथ ये कबूतर निकाला था, लगाया था सलारी के साथ हमारी, वो भी आपके सामने है कितना गुड़ी है हमारा मलक शकील है, इसको भी हमने अंडरग्राउंड किया हुआ। ये नहीं मैंने उड़ाना, बाकी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी एडवाइस दें, तैयारी से मुराद ये है कि अपने अच्छे बर्ड्स बनाएंगे तरीके से, सुकून से, तहम्मुल से, फिर कबूतरबाजी होगी। अब वो जल्दबाजी वाला काम नहीं करना मैंने, देखें ना। अब ये सुकून सुकून से छोड़े हैं पट्टे, ये माशाल्लाह पक्ष भी इनका जो है ना काफ़ी हमें फ़ायदा हो। ये अब आए इनको ऊपर जाल में चढ़ा देते हैं, ये देखें ये बाकी सारे जाल में चढ़ा दिए। ये भी अच्छी हैं लेकिन ये वो है ज़रा थोड़े अच्छे फिर रहे थे, आज मैंने जाना है इस वजह से आज मैंने इनको निकाला नहीं बाहर, वरना मैंने इनको निकालना था। ये बच्चा साफ हो गया, ये पी लखी है, ये टैडी पट्टी एक और है, ये गोल्डन पट्टी, इसको भी जोड़े डाला हुआ। ये देखें ये गई ऊपर, ये तो मैंने अब इसको उड़ाया, ये कल भी फिर के आई है बड़ी अच्छी दोस्तों। ये मादी बहुत अच्छी है यार, इसको इसको ये देख, ये जाएँ आपको कह दिए मेरा बाजी में डलेगी कबूतरी। ये कबूतरी बहुत अच्छी फिर रही है, इसका कोई हिसाब नहीं। तो ये जो है ना, ये पट्ठा हमने किसी का पकड़ा, लेकिन ये मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, फ़ायदा कोई नहीं है, पकड़े पकड़ाए माल का कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने एक दिन उड़ना, दूसरे दिन अगले घर चले जाना, ये देख फायदा ही कोई नहीं इनको छोड़ने। तो चार पाँच जाल में भी चढ़ा दी, ओके मोल की बात है, ऊपर ठापे ठुपे मारते रहेंगे, सेटमेंट रहेंगे। बाकी हमने जो है ना उड़ा दिए कबूतर, वो देख वो आसमानों में उड़े हैं। अभी फिलहाल गुजारा ही कर रहा हूँ, यकीन माने कबूतर अभी इन पे ध्यान नहीं दे रहा अपना। इंशाल्लाह इनको मैं सेट शूट करूँगा और इनको उड़ाऊँगा भी, ऐसी बात नहीं है। कबूतर इंशाल्लाह आगे भी बना लिए थे, अभी बना लूँगा, ऐसी बात नहीं है। हमें कबूतर बनाने भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कबूतर उड़ाने भी आते हैं, बातें करनी नहीं आती लोगों की तरह नहीं है, वो आपको कबूतरबाजी करके भी दिखाई है दोस्तों। बाकी यह है कि रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, ये आप कह सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा। बाकी लगे हुए हैं अल्लाह का नाम लेके, कबूतर शबूतर काफ़ी पड़े हैं, अभी खोखर भी हैं, गुलाब एक वीडियो डालेंगे वो आप लोग देखना, काफ़ी कबूतर जमा हुए हैं। तो वो उधर खुडा भरा पड़ा कबूतरों का, उनका भी वो लाखे लुखों की कल का काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की है हमारे, वो पिजन खोखर भी गुलाब पर वीडियो डाली थी, तो इंशाल्लाह उन्हीं को ही आगे कैरी करेंगे। ये ना रोज़ उड़ते नहीं हैं, ये आज उड़ गए, चार दिन बंद रह गए, वैसे ना ये हट रहा हूँ मैं तो, जब रोज़ झंडे पड़ेंगे ना तो ये रवा हो जाएंगे। मैं वैसे भी इनको इतना ज़्यादा उड़ाना चाहता ही नहीं, मैं कहता हूँ बस छत देख लें, ऊपर नीचे हो जाएं बोल दें, क्योंकि अभी मौसम नहीं है उड़ाने के, उड़ा के ज़ाया करने वाली बात है। ये देख ये चिट लगा टैडी पकड़ा था किसी का, बड़ा कबूतर गिज जाता है, हमारे पास तो वैसे ही बड़े कबूतर की जो है ना गिजने की रेशो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यह है कि यार ये फिर पी पड़ती है ना, जो मेरा दिल वजन हो गया, मैं कहता हूँ बड़े हों और जो है ना लग भी जाता है यार, बड़ा कबूतर लग जाता है, मैं ही कहूँ आपको मेरे पास लग जाता है, पता नहीं अब कैसे लग जाता है। ये देखें ये अभी आपको दिखाता हूँ, ये चिट लगा पकड़ा था मैंने सीज़न में अभी असू में, तो किसी का उड़ा उड़ाया कबूतर था, मादी के साथ जोड़ा लगाया तो ये गिज गया। तो खैर ये है कि अब बाद का ये लैस होते हैं ना तो फिर अपने घर भी चले जाते हैं, तो सबसे अच्छा जो है ना ये ऊपर नीचे होकर फिर रहा है। चलो इसी बहाने छत भी खुल जाती है, हमारा शौक भी जो है ना वो हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ इधर ही कहीं लगा फिर रहा है, ये देखें ये इधर गया, वो अभी आता है तो आपको दिखाता हूँ, एक मिनट सफर करें, ये फिर रहा है, ये देखिए ये फिर रहा है। तो ये गिज जाते हैं कबूतर, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि अभी असू जब उड़ाया है कम से कम भी 100 कबूतर था जो पुटा था, ऐसे ऐसे नयाब कबूतर थे, सिर्फ जल्दबाजी में और थोड़ी सी बस जल्दबाजी कहेंगे, उसकी वजह से मैंने वो सारे के सारे कबूतर अपने ज़ाया कर दिए। अगर मैं असू ना उड़ाता, ये मेरे से गलती हुई है, वो सारे कबूतर अभी तक मेरे पास सेफ होने थे, क्योंकि उनके ऊपर मैंने उनको ज़्यादा लोड देना नहीं था, फिर मैं उनको अब प्यार प्यार से उड़ाता रहता, एक दफ़ा तसल्ली हो जाती यार ये पक्के गिज गए हुए हैं घर के, इनको घर का पता लग गया, यही घर है, इन्होंने इधर ही जीना है, इधर ही मरना है। पट्ठियों पट्ठों का ये फ़ायदा होता है, बच्चों का ये फ़ायदा होता है, उनका जहन दूसरे किसी घर के पास बैठने का नहीं होता, सिर्फ ये एडवांटेज है, वो कबूतर ही नहीं जोड़ के अपने घर ही ना बैठे,
पट्टी पट्टे का ये वादा होता है कि यार इनको पता ही है हमारा घर है, वो टैडी पट्टी जिसकी बहन जोड़े डाली है, दो बहनें थी एक बहन मैं उड़ा रहा हूँ, वो जाके ठुक गई ऊपर, कल भी एक दो घंटे मार के आई है, अच्छी चीज़ अच्छी होती है, सारे नीचे लगे फिर रहे हैं, वो केली जाके ऊपर ठुक गई, एक वो और एक चपड़ा, ये दोनों अच्छे कबूतर हैं, ये नीचे फिरते रहते हैं उड़ते रहते हैं। अब ये है कि इंशाल्लाह इनको जो है ना मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको तैयार करूँगा, आज तो निकाले हैं ठीक है, इनको चार पाँच दिन निकालूंगा ना ये सीधे हो जाएंगे कबूतर, तो अभी फिर अपना शौक भी बहाल करेंगे। अभी ये है कि पहले अच्छे परिंदे बना के तैयारी करके कम अज़ कम मेरे पास 25 से 30 कबूतर हों जो 12-1 बजे तक बैठने लो, फिर हम मैदान में आएंगे। अब ऐसे मैदान में नहीं आना क्योंकि ऐसे मुँह की खानी पड़ती है बंदे को, जलालत बकरी है, हार बकरी है, तो बड़े तरीके से तहमल से कबूतरबाजी करूँगा। ये आज या कल में उत्तरखान आता है, ये वाले जो कापकी है ना वो मैंने नीचे सेट कर लेनी है, और यहाँ पे भी फटियाँ फुटियाँ लगा के अपने जो मेन कबूतर है उधर छोड़ें, वो जूंसरा जूंसरा जो है वो आपको पता ही है पुराने कबूतर हैं, उनका कोई टेंशन नहीं, उनको जब मर्जी लैस करा के डालो, लेकिन उनसे अब आगे भी तो बढ़ना है हमने, ये थोड़ी है वो तो 11-12-1-2 बजे तक कभी मौसम ठंडा हुआ तो उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छे कबूतर भी हमारे पास होने चाहिए, तो उसकी अब जस्तुजू जारी है, बच्चे कोई ला के छोड़ते हैं, कुछ बड़े कबूतर भी ला के छोड़ूंगा जब तक कोई नहीं ठा ठैया लगता। लेकिन यह है कि वो मैंने ना उन जो बड़े कबूतर हैं उनको मैंने बड़े तसल्ली से, बड़े प्यार से, बड़े तमल से छोड़ना है, उनके पास जल्दबाजी नहीं मैंने करनी, मैंने कहना यार सुकून करो यार प्यार से, जिस तरह ये टैडी की जाए ना महीने बाद इसको बाहर निकाला, इस तरह इनका कोई जोड़े जुड़े लगा के ना आपस में, इनको खप्पे डाल के बड़े प्यार से एक सीज़न उनको पहले ऊपर नीचे कराना ताकि वो पक्के कर जी, उसके बाद फिर उड़ाना, क्वांटिटी भी हो, क्वांटिटी भी हो और क्वालिटी भी हो, फिर जाकर रिजल्ट आपका आता है, अदरवाइज नहीं आता। अभी तो हमारे पास जीरो पे खड़े हैं इस टाइम हमारे पास रटे ठप्पे कबूतर हैं, वो गेम नहीं है, जिस तरह लोगों से मुकाबले में ना हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल गेम नहीं है। बाकी जोड़ा काला एक जोड़ा लगाया है, तो काला जोड़ा लोग कह रहे हैं, दूसरा दोस्तों का मैसेज है भाई जान हमें भी पता है वो काला जोड़ा ज़्यादा काले नहीं उड़ते इतने गर्मियों में, ठीक है हमने शौकिया भी लगाया और हमें खूबसूरत भी लगा, अल्लाह करे इनके बच्चे उड़े अच्छे, ठीक है टैडी टूडियों के मुकाबले में तो इतने ख़ास नहीं उड़ेंगे, लेकिन यह है कि अगर कलर तो कम अज़ कम बनेगा। मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि यार वो काला जोड़ा हमने लगाया, कुछ दोस्तों का पर्सनल मैसेज आया यार तुम तो कहते इंडियन कबूतर नहीं उड़ते भाईजान, मैंने कहा उड़ते हैं लेकिन इतने लंबे नहीं उड़ते, हकीकत है वो भी जोड़ा इतना शामो जेठिया तक जोड़ा नहीं है वो, लेकिन यह कि प्योर कलर बन गया हुआ है, इनके बच्चे लूँगा देखूँगा अगर अच्छे परफॉर्मेंस की तो ठीक है, देन वरना मैं इनको फिर आगे टैडियों में क्रॉस कर लूँगा या उसमें कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कलर काला ही रहे लेकिन उनका पर उनका जो पर है ना और उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो टैडियों जैसी बन जाए, फिर ये उड़ेंगे उस पर मेहनत है और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, अब देखो क्या बनता है। एक आधा जुड़ा ब्रीड करता है ना तो फिर इंशाल्लाह ठाठिया करते हैं। अभी एक प्लान और बन रहा है, नीचे वाली जो छत है ना नीचे वाली उधर एक खुड्डा बनाने की सोच रहा हूँ, उधर कुछ जोड़े लंबे लगा के ना काट के पर काट के बंदा उधर भी कुछ जोड़े छोड़ देता है, क्योंकि अब ये उड़ाने भी तो है ना, जोड़े जितने उतने ही छोड़े हैं, चलो कुछ अच्छे हैं कुछ मंदे हैं, कोई रल मिल के जोड़े भी बन जाते हैं, बाद कर वही बच्चा उड़ा देते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ये साथ वाली जो छत है ना किराए वाली, इधर सोच रहे हैं छोटा सा खुड्डा बनवा लें, वो इंशाल्लाह आपको हो सकता है आजकल मैं शुरू करवा दूं। पहले इजाज़त ले लें अपनी वालदा से, वो कहेंगी ना बना लो क्योंकि वो किराए पे दिया हुआ, उधर जाना आना तो है नहीं, तो सुकून से वहाँ पर भी अपनी दिल पशोरी हो जाएगी। ये देखें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अल्लाह नज़र बसें बचाए मिसाल जब बंदा देखें, ये देखें जी ये हमारे हम साए हैं जी, ये बड़ा अच्छा शौक करते हैं जी माशाल्लाह, इनको बार बार दिखाने का मकसद बताऊँ क्या है, ये देखें माशाल्लाह अच्छी कबूतर ये उन्होंने नहीं उड़ाया अच्छा किया, कितना कबूतर माशाल्लाह भरा, ये देखें सारे ही उनके उड़ने वाले कबूतर हैं, ये देखें ये भी खुडे भरे हैं, अभी इससे मजीद भी इनके पास अंदर पड़े हैं, कम अज़ कम भी को 300 कबूतर छोड़ा होगा, कहने का मकसद ये तैयारी ऐसी होती है, और जो सारी अच्छी हैं घर के कबूतर हैं या जैसे भी हैं बच्चे हैं तो वो पागल थोड़ी है, इतना कबूतर उन्होंने छोड़ा हुआ, अगर अच्छे ही होते तो 10-20 छोड़ के शौक कर लेते, खुडे भरे पड़े हैं, किस लिए छोड़े हैं, बेचने के लिए थोड़ी छोड़े, उड़ाने के लिए छोड़े हुए उन्होंने, ठीक है ये देखें, तो शौक भी रिजल्ट भी इनका अच्छा आता है, इस टाइम पूरे इलाके में सबसे अच्छा रिजल्ट भी इनका आता है, शाम तक कबूतर उड़ती हैं इधर इलाके में, ये भी उड़ाते हैं जिस तरह हम उड़ाते हैं, लेकिन ये कि इनके पास जोड़े अच्छे हैं, इनके पास क्वालिटी भी है क्वांटिटी भी है देन उस्तादी भी है, तो रिजल्ट नो डाउट अच्छा आना ही है। हमारे पास गिनती के 20 कबूतर हैं या 30 होंगे, उनमें से 10-20 ठप्पे हैं, ये सारे के साथ 100 में से 80 उड़ने वाले हैं, सही शाम तक उड़ने वाले, ऐसे तैयारी होती है। अब ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मैं हो सकता है इस सीज़न कुछ भी ना करूं, सिर्फ अपनी तैयारी करूं, तैयारी भी अच्छे तरीके से करूंगा, ये 2-4 दिन की बात है कि ज़रा खिलारा ये जोड़ों जोड़ों की वो तो सेटिंग करती है, ये ज़रा हो जाएगी ना फिर हम सुकून से अपने कबूतर निकाल के बैठ के उनको सिर्फ हमने पक्का करना है, जो अच्छा उड़ेगा उसको सेट के, जो अच्छा उड़ेगा सेट के, उसको सीज़न पल्ट कराना फिर इंशाल्लाह उसको जो है ना आगे कैरी ऑन करना है। बाकी आप लोग बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।